नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 5 धरती की शान इस काव्य पाठ के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को समझेंगे। इस काव्य में हमने समझा कि मनुष्य अपनी हर शक्ति से असंभव को भी संभव कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह जल थल वायु सभी में अपना प्रभाव दिखा चुका है और वह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो जहाँ पर आपके लिए प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बालक हैं अभी, इसलिए आपके लिए क्या क्या संभव है देखिए। हम साइकिल चला सकते हैं, पौधों में पानी डाल सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता के कार्यों में भी सहयोग दे सकते हैं। इस तरह हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, विविध क्षेत्रों में मनुष्यों ने क्या प्रगति की है। तो मनुष्य ने कृषि के क्षेत्र में अनाज का उत्पादन किया है और रासायनिक खाद का प्रयोग करके उस उत्पादन को बढ़ा दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़, इन तरह तरह के उत्पादनों को बढ़ाकर देश को आगे प्रगति के पथ पर लाए हैं। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान, इन सब के निर्माण से यात्रा करना भी सरल हो गया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने तो हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता ही साबित कर दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति की है। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है, इसी के कारण उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का भी वरदान मिला है, इसी के बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का भी विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों से महान है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि काव्य में लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में प्रकृति के तत्व हैं धरती, और धरती का समानार्थी शब्द है पृथ्वी या भूमि। दूसरा तत्व है पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द है पहाड़। नदी, नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। अगला है माटी, माटी का समानार्थी शब्द है मिट्टी। अगला शब्द है अंबर, अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश। अग्नि, अग्नि का समानार्थी शब्द है आग। पवन, पवन का समानार्थी शब्द है हवा। तो इस प्रकार हमने काव्य में जितने भी प्रकृति के तत्व हैं इन सभी के समानार्थी शब्द लिख लिए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट कहा जाता है तगड़ा, हट्टा कट्ठा या स्वस्थ व्यक्ति। संवाद यानी बातचीत। शीघ्र यानी जल्दी। जौहर, जौहर एक तरह से कहा जाता है पराक्रम करना, लेकिन पहले के ज़माने में जब राजपूत स्त्रियां थीं तो जब उन्हें पता चलता था कि उनके पति सेना में हार गए हैं, यानी उनकी उनके पति की हार हुई है युद्ध में, तो वह सारी स्त्रियां एक साथ मिलकर स्वयं को अग्निकुंड में जला देती थी, तो इसे भी जौहर कहा जाता है। अजनबी यानी अपरिचित। वेदांत यानी ब्रह्म विद्या। मुकद्दर यानी भाग्य। शागिर्द यानी शिष्य। वृत्ति यानी मनोदशा या मन का झुकाव। स्पष्ट यानी साफ साफ। इस तरह हमने शब्दकोश में से इनके अर्थ ढूंढकर लिख दिए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो यहाँ पर कवि भरत व्यास जी कह रहे हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। इसी प्रकार दूसरी काव्य पंक्ति है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमानी है और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे जाने की शक्ति रखता है। तो मित्रों, आज हमने धरती की शान इस काव्य के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।